वीडियो में आपने देखा था KTM RC125 का ये कलर का वर्कअराउंड वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको KTM RC125 का ये जो आप सामने फ्रंट में मेरे सामने जो कलर देख रहे हैं ब्लैक और ऑरेंज का, इसका आपको वर्कअराउंड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको चारों तरफ से एक बार घूम लेते हैं और चारों तरफ से आप देखिए कि इसका व्यू कैसा निकल के सामने आता है। उसके बाद हम एक एक करके इसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि इसको मैं क्या कुछ कहाँ पे आपको किस तरह के ग्राफिक्स और क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है। सबसे पहले बता दूँ दोनों कलर में आपको सिर्फ कलर के डिफरेंट है, बाकी फीचर वाइज दोनों ही सेम रखा गया है। तो अब हम शुरू करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको एक बड़ा सा वाइजर देखने को मिल जाता है जो कि प्लेन में आपको वाइट कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, दोनों बल्ब हेलोजिन बल्ब आपको देखने को मिलते हैं जो कि पहले आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प के साथ ये आता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। वाइजर यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर व्यू जो मिरर होता है उसके अंदर से ये निकल के सामने आता है, जो कि वाइजर अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो कंसोल है इसके पास ही निकल के वाइजर से निकल के ये आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी देखने में खूबसूरत नज़र आता है। बाकी आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। आगे इसको ऑन करके हम दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे कलर में अगर आप देखें तो आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको RC125 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का नज़र आता है। तो कलर और ग्राफिक्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है ऑरेंज में और ब्लैक कलर के डुअल टोन कॉम्बिनेशन में। कलर में जो बात कर रहे थे कि आपको वाइट और ऑरेंज अच्छा ज़्यादा लगता है या फिर आपको ब्लैक और ऑरेंज ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो आगे चले तो यहाँ पर आपको डुअल टोन में पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है जो कि आप ये थोड़ा सा मेट ग्रे में है, ये ग्लोसी ब्लैक में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे KTM का स्टिकर देखने को मिल जाता है और इस साइड में भी आपको KTM का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इस साइड से जाके मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको KTM का स्टिकर देखने को मिल जाता है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी पहले से इंक्रीज़ कर दिया गया, वेट भी इंक्रीज़ हुआ है जिससे आपको अब जो परफॉर्मेंस है वो जो स्पीड और जो कम्फर्टेबल है राइडिंग के टाइम वो थोड़ा सा पहले से बेहतर हो जाता है। पहले इसमें 9.3 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आता था, अब आपको इसमें 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो इस साइड से अगर आप KTM ग्राफिक्स वो देखें तो KTM लिखा हुआ देखने को मिलता है और अगर हम इस साइड भी चलें तो आपको यहाँ पे RC125 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है तो ये डिज़ाइन के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिलता है तो लुक कुछ इस तरीके से इसका आता है। फ्रंट में चले तो आपको USD 4 सस्पेंशन देखने को मिलता है जो WPX के हैं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। टायर में आपको MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं और टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 110x70 17 सेक्शन के आपके ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। व्हील में आपको ऑरेंज कलर का एलो व्हील देखने को मिल जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये आपको इंजन को सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक गार्ड भी देखने को मिल जाता है, इंजन कॉल देखने को मिल जाता है छोटा सा जो कि देखने में इसको काफ़ी और खूबसूरत बनाता है। इस साइड भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और इस साइड से आपको इस तरीके से ये देखने में लगता है सस्पेंशन। यहाँ पे आपको इस बाइक में डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको ABS का देखने को मिल जाता है और बैक में चलो तो इस साइड भी आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS देखने को मिला है देखने को मिलता है। रियर में भी रियर के टायर साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको MRF के ही टायर देखने को मिलते हैं। टायर साइज़ आपको 150 के देखने को मिलता है, 150 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ और सीट के बारे में बात करें तो सीट पहले से काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बनाया गया है जो कि इस पर आपको RC लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और ये रियर का आपको सीट देखने को मिल जाता है। ये आपको रियर में ग्रेवियल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसको की लगा के ये सीट को खोल सकते हैं। और सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मोनोस्पोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल ये सस्पेंशन होते हैं। और बैक साइड में चले तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ये आपको नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि इस पर लाइट पड़ने पर ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो रियर का फंडर है मडगार्ड है यहाँ पर आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और काफ़ी ये ब्रॉड देखने में तो बाइक देखने में बिल्कुल ज़बरदस्त लगती है। और रियर का इस साइड का फुट पैक्स देख सकते हैं
काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पे एक थोड़ा सा सेफ्टी है जिसमें आपके पैर को अंदर जाने से ये बचाते हैं। तो ये इस तरीके से, और इस साइड का ये ब्रेक आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंजन पे आपको RC KTM जो रेसिंग KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और जो इंजन है वो पहले की तरह बिल्कुल सेम रखा गया, 125cc वाला इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। और इस साइड से चले तो यहाँ पर आप देखें तो ये रियर का फुट पैक्स हो जाते हैं और ये आपको राइडर का फुट पैक्स हो गया, ये आपका गियर का हो जाता है। तो ये हो जाता है और साथ ही यहाँ पे आपको ये स्टैंड देखने को मिलते हैं। और साउंड पिछले वाले वीडियो में मैंने सुना दिया था, इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा आपको सुनाने। यहाँ पे आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं हम, अगर इस साइड से देखें तो बाइक देखने में कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। और अब चलते हैं चाबी की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं KTM की ये आपको चाबी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको चाबी को लगाना है और यहाँ पर आप इसके मीटर को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ABS न्यूट्रल और यहाँ पे आपको RPM वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साइड स्टैंड का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पहले से थोड़ा सा बड़ा और काफ़ी अच्छा बनाया गया, जो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको एक हॉर्न दिखाई दे रहा है, सिंगल हॉर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इस साइड में चेक किया तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक सिंगल हॉर्न ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो सिंगल हॉर्न का भी साउंड हम सुन लेते हैं, तो हॉर्न का साउंड आप एक बार सुनिए। तो ये हॉर्न का साउंड हो जाता है और यहाँ पे आपको कंसोल पे यहाँ पे KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस साइड में चले, चाबी को बंद कर देता हूँ, इस साइड में चले तो आपको ये लीवर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको पास का स्विच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम और ये इंडिकेटर के और ये आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाते हैं। तो सेम इसमें आपको पहले की तरह ही मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपको थोड़ा सा स्टेयरिंग को इसको अपराइट कर सकते हैं, जिसे थोड़ा सा आपको हैंडलिंग में कंफर्टेबल और भी ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपको सर्विस सेंटर से ये की मिल जाते हैं, तो ये की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डिटेल्स और इसमें आपको चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ इसमें है। फ्यूल रेंज किलोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो साइड स्टैंड में ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इसमें साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ है, साइड स्टैंड में ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों आपने KTM RC125 के न्यू मॉडल को दोनों आपने देख लिया, दोनों कलर में ये बाइक अवेलेबल है। और शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस शोरूम पे आपको सबसे कम डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट और कम से कम डाउन पेमेंट वाला स्कीम भी ऑफर भी चल रहा है। तो आप एक बार शोरूम विजिट कर लीजिए और या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर ऑन रोड, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि ऑन रोड इसको गुड़गांव का आपको 2,05,000 पड़ने वाला है, और क्या कुछ इसमें अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। मेरे हिसाब से आई थिंक अभी तक जितना याद था मैंने सब कंप्लीट कर दिया, कंसोल को भी बता दिया है, पेट्रोल टैंक में भी थोड़ा सा चेंज था वो भी बता दिया है, और जो ब्रेक वगैरह है टायर वगैरह सब ठीक आई थिंक मैंने कवर कर दिया। तो आप एक बार शोरूम विजिट कर सकते हैं, ये बाइक यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं KTM RC जो 200 है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।